इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक के अंदर हम दो टॉपिक सीख चुके हैं, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और आज बारी है बॉन्ड एंगल की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सभी लेक्चर आपके जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्लास 12th, क्लास 11th सभी के लिए काम आएंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और ये इनऑर्गेनिक की बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये बात करते हैं, सबसे पहले बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं और क्या क्या फैक्टर हैं और कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बॉन्ड एंगल डेफिनेशन का मीनिंग है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। सपोज बॉन्ड बना हुआ है और इन लाइंस के बीच में जो भी एंगल है उसे बॉन्ड एंगल कहा जाएगा। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, तो एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। यू कैन अंडरस्टैंड। अब आइए जानते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर फैक्टर जानते होंगे, सीक्वेंस में अप्लाई करना जानते होंगे, तो हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। तो आइए, सबसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर। हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट होगी तो बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पजेस डिफरेंट बॉन्ड एंगल। रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 है 120 डिग्री, sp3 है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये रहते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल। सो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पजेस डिफरेंट बॉन्ड एंगल। यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, यहां बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हो। सो यू कैन सी कि यहां है sp, यहां है sp2, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमें बेसिक मालूम होना ही चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, हायर होगा। सो वी कैन से BeCl2 पजेस हायर बॉन्ड एंगल। तो हमेशा आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पे ही ध्यान देना है, समझना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तब आप नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे और वो है आपके पास लोन पेयर। नेक्स्ट फैक्टर है लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सपोज कोई एलिमेंट है, यहां पर कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और इसके रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। सो वी कैन से बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज CH4 अमोनिया 2 है। पहला फैक्टर अप्लाई करें हाइब्रिडाइजेशन, विच इज sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बात नहीं बनी, लोन पेयर पे चले, यहां नहीं है यहां है। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा और इस वजह से अमोनिया का बॉन्ड एंगल कम होगा एज कंपेयर टू मिथेन, वी कैन से। तो ऐसे आपने सेकेंड फैक्टर लोन पेयर को अप्लाई करना है। उसी तरह से यहां पर आएगा फैक्टर नंबर 3rd और जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज द फैक्टर नंबर 3rd। नाउ अगर आपकी इरेगुलर ज्योमेट्री है, अगर ज्योमेट्री इरेगुलर है तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे। जैसे सपोज हमारे पास एटम है एक्स, एटम है वाई, और यहां पर हमने देखा दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा है। अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड पेयर जाएगा, इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल कंसिडर किया जाएगा। सो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हायर इज द बॉन्ड एंगल। और अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड एंगल लेस रहेगा। तो हमने यहां सेंट्रल एटम की बात की है, जितनी ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल उस केस में रहेगा। अब बॉन्ड एंगल के बेसिस पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपके पास पूछी जाएगी, आपको वो सभी प्रॉब्लम बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे हिसाब किताब से आपने उनको सॉल्व करना है। सपोज मैं कहता हूं हमारे पास क्वेश्चन आता है कि BF3 NF3 हमें कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, फिर आप लोन पेयर देखेंगे एटसेट्रा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी अभी तक नहीं आती तो मैं मेथड बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा और उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। स्टेरिक नंबर मेथड, स्टेरिक नंबर मेथड कहा जाता है। स्टेरिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच। यहां लोन पेयर एक भी नहीं है, तीन एटम अटैच है, तो BF3 का स्टेरिक नंबर क्या होगा, 0+3, 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल का मतलब sp2, 1s एंड 2p। यहां NF3 और NF3 में हम देख सकते हैं एक लोन पेयर और तीन एटम, सो 1+3 दैट इज 4, 4 का मतलब sp3। इस तरह से आप बच्चे हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यही फार्मूला बहुत है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट और डायरेक्ट आपका जवाब तुरंत यहां पर आएगा। तो हमने इस फार्मूले की हेल्प से पता लगाया दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, और हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा, sp2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो जवाब हो गया BF3, इसका बॉन्ड एंगल हाई रहेगा एज कंपेयर टू NF3। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। अब देखिए जैसे अगला आता है NH3 NH4 पॉजिटिव, इनके कंपैरिजन पे आपसे क्वेश्चन पूछ लें, बताएं किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा NH3 या NH4, तो क्या करेंगे, सेम स्पेरिक नंबर 3+1, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है देन चेक द लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल कम होगा, यहां एक लोन पेयर है इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, इसका जवाब आप बता पाएंगे किसका बॉन्ड एंगल कम है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है एटसेट्रा। ये चीज आप बहुत आसानी से यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है H2O H2SE, इनमें कंपेयर करना है कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर देखें, दो एटम दो लोन पेयर, इट इज sp3, इट इज sp3, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो लोन पेयर देखें, यहां भी दो लोन पेयर, वहां भी दो लोन पेयर, लोन पेयर भी सेम है। अब चले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अभी बताया था अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा और इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। इस तरह से आपको एक मेथड बता दिया गया कि कैसे आपने बॉन्ड एंगल में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, आप उन क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे, जवाब मेरे पास भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या जो भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है आप उस पे जवाब देने की कोशिश करेंगे, वरना क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर वो जवाब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने बताना है, विच आउट ऑफ H2O एंड H2S पजेस हायर बॉन्ड एंगल एंड व्हाई, इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और क्यों है, ये जवाब देना है। विच आउट ऑफ H2O एंड Cl2O पजेस हायर बॉन्ड एंगल एंड व्हाई, ये जवाब आपका आना चाहिए। आपका जवाब अगला आना चाहिए कि NH3, PH3, ASH3 वगैरह बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। फिर आपके पास जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन ये है H, NH एंड HPH कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्यों होगा, ये जवाब बताना है। फिर आपने बताना है HF और HCl कहां पर बॉन्ड एंगल हायर होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और फिर आपने जवाब बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन किसे कहते हैं,
और लास्ट क्वेश्चन व्हाई P4 इज मोर रिएक्टिव. P4 मोर रिएक्टिव क्यों है ये जवाब देना है. P4 को पानी में स्टोर क्यों करते हैं ये जवाब देना है. सो व्हाई P4 इज मोर रिएक्टिव. एंगल स्ट्रेन क्या है. HF HCl किसका बॉन्ड एंगल, इनमें से कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा, एटसेट्रा, ये जवाब आपने देने हैं. तो बच्चों इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, लेकिन बात यही है कि इन टॉपिक को बहुत 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 अच्छे से आपको क्लियर करना चाहिए. चाहे 11th क्लास का बच्चा है, 12th का बच्चा है, JEE एंट्रेंस का बच्चा है, ड्रॉपर है, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, हर बच्चे को ये प्रॉब्लम अपने एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली सॉल्व करनी होगी. सो ऑल द बेस्ट, इनको कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए.